किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, ये मेरा लगभग 11.25 महीने का बाग है, जिसकी मतलब एक साल से कम का पौधे हैं और इसकी मैं दूसरी कटिंग कर रहा हूं। तो देखिए, आप देखिए, ये मैं कटिंग कर चुका हूं, जो ये चार लाइनें हैं, 1, 2, 3 लाइनें हैं और इनकी कटिंग मैं अब दिखाऊँगा। किसान भाइयों, कटिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना। आपके पौधे की क्वालिटी, उसकी स्वस्थता, किस तरह की बढ़वार है, डंडी कितनी बड़ी है, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। मैंने आपको एक पेड़ दिखाया था जो मेरे घर पे लगा हुआ था, उसमें मैंने सब पत्ते हटा दिए थे, लेकिन आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री राजकुमार जैन जी, 12 राजस्थान के, उनको सबसे अधिक अनुभव है हमारे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालांकि हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, 40-42 के आसपास रहता है, और आज तो पूरब की हवा चल रही है, थोड़ी नरमराहट है, नरमी है, मतलब थोड़ी मॉइस्चर भी है इसमें वातावरण। तो मैं दो चीज़ों का इसमें डिफरेंस कर रहा हूँ। देखिए, ये पौधा है जिसकी हमने कटिंग की थी, यहाँ से देखिए, ये इसकी मेन शाखा हमने यहाँ से काट दी थी, ये यहाँ पर दिखाओ, यहाँ ले, यहाँ तक ले आओ ना, शाख जो कर, ये मेन शाखा काट दी थी, ये देखिए अब दूर हो गए। इसके बाद में आप देखिए, इसमें चार शाखाएं निकली है। अब इसका सिद्धांत ये है कि इस शाखा की लंबाई देखिए, और अगर इसको आप देख लें तो या तो आधे पर से, या ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक काली है। तो इसको हम लगभग एक फुट से इस तरह से काट देंगे और इस पत्तों को यहाँ पे डाल देंगे। ये तो हुई इस पौधे। अब जब इसमें से शाखाएं फूटेंगी तो मेरे हिसाब से कम 4-16 शाखाएं आएंगी और ये इतना बड़ा पौधा होगा, अब की बार इतना होगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि ये हाई डेंसिटी पर है। आइए एक दूसरे पौधे को देखते हैं। ये पौधा है, इसकी मैं, इसमें भी चार शाखाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं ये काट दूंगा। ये मेरा पहला डिफरेंस है और इन पत्तों को मैं लगभग इसमें डालूंगा। देखिए कितनी सुंदर, 1, 2, 3, 4, 5 शाखाएं हैं, और जब इनमें से निकलेंगी कम से कम हमारी 20 शाखाएं होंगी और ऐसी छतरी का बहुत खूबसूरत रूप होगा। उसके बाद हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ते। ये पौधा देखिए कितना, ये इसमें देखिए, अब इस पर मैं काट दूंगा, ये इस तरह से मैंने काट दिया और ये भी काट दिया। देखिए छोटी सी शाखाएं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये देखिए इसको मैंने पूरी हटा दी, ये मैंने यहाँ से काट दिया, ये मैंने काट दिया, ये शाखा चल रही है इसको भी मैंने हटा दिया, ये वाली चल रही है इसको मैं जड़ से हटाऊंगा, क्योंकि ये मेन शाखा में से थी जो हमने तार छोड़ी थी, और इसको मैं यहाँ से काट दूँ, ये मेरी शाखा की इसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत नीचे जाएगी। कितना खूबसूरत है। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे मैं पत्ते क्यों नहीं हटा रहा, और मेरे पास पेस्ट भी नहीं। पत्ते मैं इसलिए नहीं हटा रहा कि गर्मी बहुत है और इसके कल्लों में थोड़ी छाया रहेगी, और जैसे ही कल्ले निकलने शुरू होंगे तो हम जो हमारे पास मजदूर हैं, दो औरतें हैं, हम उनको धीरे धीरे कहेंगे कि पत्ते हटाना शुरू करें। ये है मेरा पहला एक्सपेरिमेंट। पौधे चूंकि छोटे हैं और मैंने पानी दिया हुआ था, इसलिए पत्ते इनके ड्रॉप नहीं। दूसरा उदाहरण ये है कि मैं इन पर बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहा, काम ज़्यादा है, समय कम है, तो मैं अब की बार इस पर बोर्डो मिक्सर लगाऊंगा। बोर्डो मिक्सर क्या होता है, जैसे मैंने भाग दो में बताया है बोर्डो मिक्सर बताने का, कि 1 किलो नीला थोथा, 1 किलो चूना, उनको 50-50 लीटर पानी में घोलना है और फिर उनको मिलाकर आपको स्प्रे करना है, वो बोर्डो मिक्सर। तो सीधा स्प्रे कर दीजिए, पत्तों पर भी आएगा, कोई फंगस नहीं आएगी, और जो ये कटा हुआ भाग है इस पर भी आएगा। तो ये थी हमारी आज की कटिंग। अब आप देखिए कितनी सुंदर लाइन लग रही है, मैंने अभी तक चार लाइनें काट चुका हूँ मैं इस तरह से, देखिए और देख लीजिए, ये तो कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छे कल्ले कल्ले देखिए निकलने शुरू हो गए, ये देखिए ये कल्ले निकल रहे हैं, तो मैं इसे काट दूंगा। तो अभी देखेंगे आपको मैं दिखाऊंगा इसकी जो है, देखिए ये डंडी बहुत छोटी है तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसका ऊपर से हटा दूंगा थोड़ा सा, बस जो बड़ी हो गई उनको मैं थोड़ा सा जड़ से 1 फीट से काटूंगा, लेकिन जो बहुत छोटी है उनको हटा दूंगा। ये देखिए, तो सुबह से मैंने ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है
कि इसकी कैनोपी बनती चले जाए, यानी छत्रक बन जाए, और आप इसमें इस प्रकार चयन करें शाखाओं का कि इसमें प्रॉपर धूप आए और प्रॉपर हवा लगे। देखिए कितना अच्छा पेड़ है। इसमें से मैं काफ़ी चीज़ें हटाऊंगा, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, क्योंकि इसमें मैंने पहली कटिंग के बाद कोई सिलेक्शन नहीं किया। और किसान भाइयों, शाम तक ये जो है ना, इतने जो मैं नीचे डाल रहा हूँ ये पत्ते, ये दिखाओ, इन पत्तों के ऊपर मैं वेस्ट डिकम्पोजर मेरा 3000 लीटर तैयार है वो डलवाऊंगा, और मेरा एक बहुत अच्छी खाद भी लगेगी। कितना अच्छा छत्रक, ये जो बीच में है इनको अननेसेसरी जो है आपकी, इन्हें बोलते हैं हम जो भोजन चूसक शाखाएं, इसी प्रकार ये है। चलिए ये लाइन खत्म कर देते हैं, तो तेजी से काम होता है। उससे वो बनवाओ दवाई, हाँ अभी से भी डलवा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये देखिए अंदर कोई अगर नज़र आता है तो उसको काट दीजिए, और ये बहुत अच्छा, ये देखिए छोटा पौधा है, तो इसको हम ऊपर से टिप हटा देंगे इसकी। ये जैसे ये छोटी है, छोटा ये नीचे आ रही है, इसको हटा दीजिए। भाइयों आज है 2 जून 2019, अब मैं आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। ये देखिए जो चार लाइनें हैं, आप ध्यान से देखें कि बिल्कुल एक सार से हैं, और जब इनमें फुटान शुरू होगी कितने सुंदर लगेंगे। तो आप ये अभी नहीं हुई है, तो इनमें खाद पड़ रहा है, तो मैं इसमें अभी ये मिक्सर, बोर्डो मिक्सर का पेस्ट कराऊंगा, थोड़ा ज़मीन में भी उसको करवा दूंगा ताकि कोई फंगस ना आए। और इस प्रकार मैं इसके बाद में ये आधा खेत में मैं आज ही रात को पानी चलाऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आता है। पत्ते में ड्रॉप नहीं करूंगा हाथ, क्योंकि मेरे 2 साल के छोटे पौधे मैंने पानी बंद नहीं किया था, इसलिए मैं पत्ते ड्रॉप नहीं करूंगा। ये पौधों में खाद डाल दिया हमने इस प्रकार, और ये मैंने जो मेरी 10 लाइन है 17 में से, ये देखिए मैंने इनकी कटिंग कर दी है, अब इस प्रकार दिखाई दे रही है। ये देखिए क्लोजअप में, और ये इस तरह से पूरा बाग देखिए, सफाई तो है जी कपिल जी, है ना। और ये पाइप देखिए, ये पाइप है जिससे हम वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं इस खाद पर। ये जो यहाँ पर खाद है, ये पौधों की जड़ में ये खाद है, इस पर हम वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे। फिर हमने इसको इस प्रकार ये बंद कर दिया, ये वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद मिट्टी कर दी हमने इस पर, और इसमें अब हम रात को पानी चलाएंगे, पूरा पानी लगाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा अमरूद की मई जून में जो 2 साल से छोटा बाग है उसका कटाई यानी कटिंग, खाद और सिंचाई प्रबंधन। बाकी ये इस खेत के आधे हिस्से में हमने रात को पानी चलाया था, अब देखिए किस प्रकार ये खेत लग रहा है। ये मेरा बाग है, कुल 17 लाइनें हैं, और 17 लाइनों में लगभग 95 के करीब प्रति लाइन में पेड़ हैं। ये देखिए यहाँ तक दे दिया, ये कल रात पानी चलाया था, सारा हो गया, अच्छी तरह ही हो गई। अब इनमें आज ये इस खेत के 2 हिस्से कर दिए थे, और अब इसमें ये मेरा भाई जो है ना, ये देखिए पानी दे रहा है, इसमें बेस्ट डिकम्पोजर दे रहा है।
ये जो आप हमने वो बनाए हैं थाले बनाए हैं, ये देखिए इसमें ये गोबर है सड़ी हुई, जो मैंने ट्रॉली मंगा कर गोबर की और वेस्ट डिकम्पोजर डाल डाल कर मैंने थाल बनाया था, और अब फिर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दूंगा। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मेरे पास इस बार बोन मीट मील अवेलेबल नहीं था। आज उसका फ़ोन आया था कि सर वो खाद आ गया है, लेकिन मैं खाद तो मंगाऊंगा, लेकिन जब पहली मानसून पूर्व बारिश होगी तब मैं इसमें लगवा दूंगा उस खाद। तो देखिए ये मैंने अभी अभी पूरी कटिंग मेरी खेत की समाप्त हो चुकी है और बिल्कुल एक सार पौधे लग रहे हैं। जो फरवरी में लगाए थे छोटे पौधे वो भी लगभग आप देखेंगे मिल चुके हैं। और ये देखिए मेरी मक्का, जैन साहब ने कहा था इसमें दाने नहीं पड़ेंगे, पर सर हमारा मैंने देखा दाने खूब आ रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा, और ये मेरी बीच में है। मैंने इस तरह से लगाया है कि ये करीब 2 माह तक चलेगी, 10-10, 15-15 दिन के अंतराल में मैंने इसको लगाया है। ये देखिए इंटरक्रॉपिंग, ये मेरी लेमन की है। लेमन मेरे थोड़े से ख़राब हो गए थे पर अब फिर ठीक हो गए, मैंने इन पर नीम तेल का छिड़काव करा है। और ये मेरे नींबू हैं, ये देखिए नींबू। ये इस प्रकार मेरा खेत है यहाँ से, और बस आज इसमें खाद का कार्य पूर्ण करके इतिश्री कर दूंगा, और पानी देने के बाद ही मई जून की कटिंग का कार्य अमेजिंग किसान फार्म पर समाप्त हो जाएगा। ये भाइयों आज मेरा जून माह की कटिंग का कार्य समाप्त हो चुका है। ये देखिए दोनों खेतों में पानी आ गया है और ये कटिंग हो गई पूरी, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये मेरी साउथ की साइड है, ये भुट्टे की लाइन है, ये लेमन है, फिर भुट्टे की लाइन है, फिर मेरा नींबू है जो नींबू खड़ा है, फिर भुट्टे की लाइन है। मिलते हैं अब ठीक एक माह बाद और फिर प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।